जय श्री कृष्णा। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस में आज क्लास 12th आर्ट का 11th आर्ट का राजनीति विज्ञान का वह भाग अध्याय है आपका वो नम्मा शांति, जिसमें आज हम पढ़ेंगे, कल हमने शांति का अर्थ और परिभाषा पढ़ी, आज हम पढ़ेंगे शांति के प्रकार। शांति के प्रकार में शांति अध्ययन अंतर विषय हो सकता है, जिसमें राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान एवं अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। शांति का अध्ययन अंतर विषय है, क्या है? अंतर विषय है, जिसमें अंतर विषय का अध्ययन है और इस अध्ययन में राजनीति विज्ञान, राजनीति विज्ञान का, समाजशास्त्र का, मनोविज्ञान का और अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है, यानी इस शांति विषय से ये विषय प्रभावित होते हैं। बहुस्तरीय अध्ययन जिसमें व्यक्ति, नृजातीय समुदाय और शांति का बहुस्तरीय रूप से भी अध्ययन किया जाता है, जिसमें कई चीजों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें पहला है व्यक्ति, व्यक्ति पर या व्यक्ति के स्वभाव पर अध्ययन किया जाता है, दूसरा है नृजातीयता, नस्ल परक, तीसरा जो अध्ययन है वो समुदाय, समुदाय पर किया जाता है, चौथा जो अध्ययन है राज्य और सभ्यताओं के आपसी संबंध, क्या? राज्य व सभ्यताओं के संबंध पर, के संबंध पर अध्ययन किया जाता है। यह अध्ययन बहुसंस्कृति भी हो सकता है, क्या है? बहुसंस्कृति भी हो सकता है, हो सकता है, जिसमें कई और आयाम है, जिसमें पश्चिमी देशों में ज्यादातर किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि शांति का महत्व क्या है। शांति का महत्व, विश्व में शांति का महत्व किन किन है? तो सबसे पहले है परमाणु हथियारों के युग में युद्ध अत्यधिक भयंकर परिणाम पैदा कर सकता है, इसलिए आज शांति का महत्व सार्वभौमिक है। क्या है? सार्वभौमिक महत्व है। क्या है? महत्व है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में परमाणु युद्ध की भय, परमाणु युद्ध की भयानकता, भयानकता जो हमने सेकंड वर्ल्ड वॉर में देखी थी, वो जो हमारे समझ में आई उसके बाद हमने ये जो 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी हुआ, उसकी वजह से उसकी भयानकता को देखते हुए आज शांति का महत्व है। क्या है? सार्वभौमिक महत्व है। और शांति एक प्राकृतिक सामाजिक स्थिति है। क्या है? प्राकृतिक सामाजिक स्थिति है, जिसको बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। और बगैर शांति, जिस राज्य में शांति नहीं हो, यानी युद्ध की स्थिति हो, क्या हो? युद्ध की स्थिति असामाजिक है। क्या है? असामाजिक है, असामाजिक है। युद्ध राज्य समाज में नहीं होने चाहिए, जबकि हिंसक होना अकुशलता व पाप का प्रतीक है। अशांति का मतलब क्या है? अशांति, अशांति का मतलब है हिंसा, हिंसक होना, अकुशलता, कुशलता व पाप का प्रतीक है। जो अकुशल होते हैं, अनट्रेंड होते हैं, किसी भी तौर तरीके का उनको कोई ज्ञान नहीं होता है, कोई चीज उनकी सीखी हुई नहीं होती है, तो वो हिंसक जल्दी हो जाते हैं और हिंसा हमेशा पाप का द्योतक होता है। इसलिए अहिंसा को
किसकी जगह किसको? अहिंसा को, अहिंसा को व सद्गुणों को, सद्गुणों को बढ़ावा देना चाहिए। शांति मानवीय व्यवहार की विशेषताएं तथा शांति स्थापना के अनेक तरीके हैं और शांति मानवीय व्यवहार की विशेषताएं जो प्रकृति में हमें मिली है वो उसको अपनी अपनी विशेषता है और इसके अनेक तरीके हैं। क्या है? शांति स्थापना के अनेक तरीके हैं। क्या है? तरीके हैं, शांति स्थापना के अनेक तरीके हैं। इन तरीकों को है जो अपनाया जा सकता है। फिर है आपका जान गाल्टुकने ने हिंसा सीधी एवं प्रत्यक्ष हो सकती है, हिंसा संरचनात्मक भी हो सकती है तथा हिंसा सांस्कृतिक भी हो सकती है। अब वो कह रहे हैं कि हिंसा के भी प्रकार हैं। क्या है? हिंसा के भी प्रकार हैं। हिंसा के क्या क्या प्रकार हैं? कि हिंसा सीधी व प्रत्यक्ष। क्या है? एक तो सीधी और प्रत्यक्ष होती है। क्या होती है? प्रत्यक्ष होती है। दूसरी हिंसा संरचनात्मक भी हो सकती है। क्या है? हिंसा संरचनात्मक होती है। कई प्रकार है हिंसा के और सांस्कृतिक भी हो सकती है। क्या है? सांस्कृतिक भी हो सकती है, हो सकती है। अर्थात हिंसा के अनेक प्रकार हैं। इसी तरह भारत में पहली बार शांति के अध्ययन केंद्र की स्थापना बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में की गई और दिल्ली विश्वविद्यालय में भी शांति अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। कैथोड बोल्डिंग में भी एक पुस्तक लिखी जो हिंसा से संबंधित है जो राज्य स्थापना में है। और इस तरह से शांति की स्थापना में जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वो विश्व के अनेक राष्ट्रों द्वारा जो किया जाता है और भारत में शांति के कौन कौन से आयाम हैं उनको हम अपने जो पढ़ेंगे जिसमें आज अगले अध्याय में हम संरचनात्मक हिंसा के बारे में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि शांति से राज्य की स्थापना होती है लेकिन अधिक समय तक या लंबी देर तक शांति भी राज्य के लिए घातक हो सकती है। कहते हैं कि शांति की स्थापना जो नकारात्मक शांति के प्रतीक हैं वो कहते हैं कि शांति की स्थापना बंदूक की गोली से होती है। और दूसरे ये भी हैं कि शांति के अनेक प्रकार हैं जिसमें से शांति को कई प्रकार से जो प्राप्त किया जा सकता है उसके बारे में हम कल से पढ़ेंगे। धन्यवाद।